फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन वेव, सक्सेस मेड इजी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जेंस सीक्वेंस और डाइवर्जेंस सीक्वेंस के बारे में। सो बेसिकली अगर हमें चेक करना है कि जो सीरीज हमें दी गई है वो कन्वर्जेंस सीरीज का है और डाइवर्जेंस सीरीज का है, तो हमारे पास में कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं जिसको हम फॉलो करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस है और डाइवर्जेंस सीक्वेंस है। सो जो पहली जो कंडीशन है हमारे पास में, आपके स्क्रीन के सामने दिख रही होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, अगर उसकी वैल्यू जो है फाइनाइट आती है और यूनिक आती है तो वो क्या कहलाएगा, आपका कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगा। ओके, मतलब क्या है फाइनाइट और यूनिक का, अगर मान लीजिए आपके पास में प्लस थ्री एक ये यूनिक और फाइनाइट नंबर है, ठीक है, प्लस टू, ठीक है, माइनस थ्री, माइनस टू, दीज आर द फाइनाइट एंड यूनिक टर्म्स, सो हम उसको क्या कंसिडर कर लेंगे, वो हमारा कन्वर्जेंस सीरीज सीक्वेंस कहलाएगा। ओके, अगर हमारी जो सीक्वेंस है, अगर हमें अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या आती है, अगर इन्फिनिटी आती है, पॉजिटिव उसकी जो वैल्यू है, उसका जो आंसर है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है, तो वो क्या होता है, हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है। सो हम उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट। ओके, सो हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे किस तरीके से जो हमारा जो क्वेश्चन है, कैसे हमें पता चलेगा जो हमारी जो सीरीज दी गई है वो कन्वर्जेंट है या फिर सॉरी कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। सो पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू एन अपॉन में थ्री एन स्क्वायर प्लस एन। ओके, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, यहाँ पर जो ए एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, एन स्क्वायर माइनस टू एन थ्री एन स्क्वायर प्लस वन, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको पुट कर दिया फॉर्मूले के अंडर में, ठीक है। सो हमारे पास में जो यहाँ पे सीक्वेंस आया है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर माइनस टू एन अपॉन में थ्री एन स्क्वायर प्लस वन, इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, टेकिंग एन स्क्वायर कॉमन। ओके, अगर मैंने यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लिया, सो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वन माइनस टू अपॉन एन स्क्वायर थ्री प्लस वन अपॉन एन, सो हमारे पास में एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए यहाँ पर। सो हमारे पास में जो गिवन वैल्यू है, यानी कि जो हमारे पास में वैल्यू बच गई है, वो क्या हुआ, अप्लाई के बाद में वन माइनस टू टू द पावर इन्फिनिटी एन, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एन की जो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया एन की जगह पे, तो यहाँ पर क्या आ गया है, इन्फिनिटी थ्री प्लस में वन अपॉन में इन्फिनिटी। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आया, वन माइनस टू टू बाई इन्फिनिटी क्या हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया अपॉन थ्री प्लस वन बाई इन्फिनिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। सो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वन अपॉन थ्री, सो ये क्या हुई है, एक यूनिक वैल्यू आई है हमारे पास में और फाइनाइट वैल्यू है। सो इससे हम ये कंसिडर कर सकते हैं, जो हमारे पास में जो कंडीशन दी गई थी यहाँ पर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू अगर फाइनाइट और यूनिक आती है तो वो क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट सीरीज कहलाई जाएगी। ओके, सो हमारे पास में जो ये हमें सीरीज दी गई थी वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और डाइवर्जेंट सीरीज का एक एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से हम डाइवर्जेंट को चेक कर पाएंगे। सो हमारे पास में बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, ए एन इज इक्वल टू 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 दी पावर एन। ओके, सो जैसे कि अभी पीछे मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, ओके, यहाँ पे हमारे पास में जो एन की वैल्यू दे रखी है वो क्या है, टू टू द पावर एन। सो हमने अप्लाई कर दिया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टू टू द पावर एन, अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर एन की जो पावर है एन है, सो एन की जो वैल्यू है इन्फिनिटी है, मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। सो किसी भी नंबर की अगर पावर इन्फिनिटी है सो उसका जो आंसर आता है वो इन्फिनिटी आता है, सो इसलिए हमने यहाँ पे जो इसका आंसर आया है वो क्या है, प्लस इन्फिनिटी। सो मैंने पीछे के केस में आपको बताया था अगर जो हमारे पास में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की जो वैल्यू है क्या आती है, या पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, सो इसको क्या कहा जाएगा, डाइवर्जेंट का केस बोला जाएगा। सो हमारी इससे पता चलेगा कि जो हमारा जो केस है वो किसका है, डाइवर्जेंट है, ठीक है।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और भी सीरीज़ आने वाली हैं इनफिनाइट सीरीज़ की, सो देखते रहिए. थैंक यू.